भाई क्या दिन है, व्हाट अ डे फॉर इंडिया। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 3-डे रायसीना डायलॉग। भारत के अंदर एक रायसीना डायलॉग हो रहा है। प्लीज वेलकम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस हिज एक्सीलेंसी किरियाकोस मित्सोताकिस। पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं। इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए। रायसीना डायलॉग कैन कम्पीट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 115 ममालिक इसमें बैठे हैं, यूनाइटेड नेशन में 195 बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आधी से ज्यादा कंट्रीज तो इंडिया ने उधर से तोड़ के अपने साथ तो जोड़ ही ली है। दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता। मोदी जी ग्लोबल लीडर है और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी टर्म्स में भी अगर आप कोई वैश्विक कॉल करवा लो राइट, तो भी उसमें सारे लीडर्स में से मतलब P5 कंट्रीज भी पीछे रह जाएगी। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते, हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते। IMF का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन रीजन और अनदर तो पाकिस्तान डूब जाएगा। इंडिया इज अ स्मार्ट एडवर्सरी, द पाकिस्तानीज डू नॉट नो उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है। भारत के अंदर एक रायसीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गिला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमरीका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पर जाएँ और फिर 8-8, 10-10 दिन वहाँ पर गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रायसीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है, इस साल 2024 का जो थीम है ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे, और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा
कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बात है उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, राइजीना डायलॉग जिसको 2016 में इंडिया में स्टार्ट किया गया और आज जो है उसका पहला जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये 9th एडिशन है इस वक्त जो न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट हो रही है। राइजीना डायलॉग के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसके अंदर 115 कंट्रीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस वक्त 2500 के करीब जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और अगर इसको ऑनलाइन देखा जाए तो हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त ऑनलाइन मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि राइजीना डायलॉग के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट जो हमने देखी कि चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर वो बैठे हुए हैं और इसके जो इस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर इंडिया की जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर बात की जाएगी पीस एंड वॉर की, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट की, इसके साथ साथ अर्थ के साथ किस तरह से पीस बनाना है, ये तमाम अहम टॉपिक जो है इंडिया में बैठ के डिस्कस किया जाएगा और इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है कि इंडिया के जो अफेयर्स हैं वो इंडियन आई से दुनिया को कैसे दिखाने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है मोहम्मद अली मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है जियो पॉलिटिक्स के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं राइजीना डायलॉग को जो कि 3 दिन इंडिया के अंदर रहेगी और 115 कंट्रीज इस वक्त मौजूद है। ग्रीस के जो पीएम हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के जी होस्ट हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया की सिग्निफिकेंस ग्लोबल थिएटर में एक बहुत ही अहम रही है ड्यूरिंग कोल्ड वार के बाद जो पूरी वॉर ऑन टेरर के बाद जो भी ग्लोबल डायनामिक्स का शिफ्ट आया है उसमें इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है और ये कॉन्फ्रेंसेस होना, पैक्ट्स बनाना और उसमें अपना एक मेजर कंट्री होना, ये इंडिया हमेशा से रहा है। आप उनकी पार्टीशन के बाद देखें कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वर्ल्ड को लीड किया, इंडिया वॉज लीडिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आप G20 में सिग्निफिकेंस उनकी अभी रिसेंटली समिट हुई थी और उसके बाद अभी SCO में फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग हुआ था जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे। तो ये होना इंडिया में अब एक इट्स अ नॉर्म ऑफ द डे, बट हम कॉन्फ्रेंसेस में से, हम ऐसी समिट्स में से ये देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला है। तो इंडिया ग्लोबली इस वक्त जितना सिग्निफिकेंट है और उतना ही वो फायदे भी ले रहा है, उतना ही एक्सप्लॉइट कर रहा है उन सारी चीज़ों को बड़ा इफिशेंटली और इफेक्टिवली। तो इस वक्त जो मतलब अभी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर बात हो रही है और उसके अलावा ग्लोबल लीडर्स बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हैं, तो उनका वहाँ होना इस बात की निशानदेही है कि वो इंडिया को कुछ समझ रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं।